फाइनली ये बाल आज कट जाएंगे, है ना, है ना? चलो टाटा कर दो, नानी को टाटा कर दो। वेलकम टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हाजिर हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि नो दुद्दू यू गो एक ईट मम्मा। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम कटवाने जा रहे हैं रूही के बाल। रूही हो रही है टकली, फाइनली ये बाल आज कट जाएंगे, है ना, है ना? पुराने वाले चैनल पहाड़ी कॉर्नर पे बना चुके हैं एक ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग ने इसकी जो लट थी बालों की वो हमने मंदिर में चढ़ाई थी, बट आज हमें इसे पूरा टकला करना है। ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो गई है रूही, और हमने अब तक इसके बाल टकला नहीं करवाए हैं। सो आज वो दिन आ गया है, और मैं सच्ची बोलूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा ना अंदर से इमोशंस मेरे ना ऐसे दुख भरे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यार उसको बाल उसके बाल कटवाने के लिए, क्यूट लगती है वो बालों के साथ, बट एनीवेज कटवाने हैं, वरना बड़ी हो जाएगी तो बोलेगी मम्मा आपने बाल नहीं कटवाए थे मेरे, या फिर बड़ी होने का टकली अच्छी भी नहीं लगेगी। जैसे कि आप जानते हो ये मेरा नया चैनल है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड बेल बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। प्लीज 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वरना मैं दुख में ना रहूं कि यार मैंने एक ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल छोड़ के मैं इस चैनल पे आई हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और इसका बाल कट करवाते हैं। इस लड़की को डर है किसी बात का? तो फिर क्या कर रही थी? रो, चलो जा, चलो टाटा कर दो, नानी को टाटा कर दो, मामा जी को टाटा कर दो, पापा जी को भी कर दो टाटा। हेलो ये रुई। 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 ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो क्या आया क्या आया देखो ये रूही का बोधू कहाँ है? बोधू रूही पहुंच गई घर पे, सीधा नाना जी के पास आ गई दिखाने को बाल कहाँ गए। कहाँ चली? चली मिरर में देखने। रूही चली मिरर में देखने, लाइट जलाओ, चलो मिरर में देखना चाहती है ये। ये क्या है? ये तो खुद को देख के हंस रही है। हाँ? क्या हुआ रूही? हुई वेर इज अ हेयर ऐसा रहता है ना रूही को गई है बाल बाल को हाथ लगा रही है, बोलती है गई पानी में डाली है ना पूरा गई किधर गई किधर क्या एक बार शर्मा रही है रूही अब शर्मा रही है रूही कैसे लग रही है कैसी लग रही है रूही इसको हंसी आ रही है बहुत ये क्या हो गया ये रूही 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 का बोधू कहाँ है कहाँ है बोधू 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 कहाँ है
बोधू गया इसकी चोटी ढूंढने गई अब बोधू वहां जाके बोल रही है बोधू टोपी में ये टोपी दिस इज कैप दिस इज नॉट बोधू ये कैप में बोधू बोल रही है क्योंकि रुई के बाल कटे हैं तो मम्मी आज बोल रही है कि मीठे चावल बना देते हैं खाने में थोड़ा सा मीठे चावल बनेंगे और रुई तो बस खुद को निहारने से नहीं थक रही खुद को निहारने से नहीं थक रही आप शीरा बना रहे हैं देखो देखो इसको इसको देखो सारा ये खुद को देख देख के मतलब बोलते ना इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है ना ये बहुत ही अच्छे से ऑलमोस्ट कट गया फटाफट काटे उन्होंने एक्चुअली हम पहले गए थे सलोन जहाँ पे मैं हेयर कट करवा दी थी लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ट्रिम करेंगे हम उस तरह नहीं घुमाएंगे हम टेंशन आता है उस तरह घुमाने में एंड ऑल दैट तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि उस तरह वाले तो जो जेंट्स वाले होते हैं वही बेस्ट होते हैं इसके लिए हम फिर जेंट्स वाले के पास गए जो स्पेशली सिर्फ जेंट्स के ही काटते हैं बाल तो उनके पास हम गए और हमने फिर बाल कटवाए पहले तो रुई बहुत रुई बट फिर उसके बाद कोको मेलन लगा दो म्यूजिक चला दो चीज फाइन हाँ देखो कोको मेलन का नाम सुना तो इया चालू हो गया इसका इधर क्या इया तो चलो अभी नाई नाई करेंगे नाई नाई क्यों चलो नाई नाई करेंगे हाय हाय कर दो रुई वेर इज योर हेयर रुई वेर इज योर हेयर सो अब यहाँ पे रुई बैठ के अपने वीडियोस देख रही है बाल काटने वाले सो मम्मी ने बनाए हैं मीठे चावल जो ऐसे मतलब बाल काटे रुई के तो मम्मी बोली चलो कुछ मीठा ही बना दिया जाए तो मीठे चावल बनाए मम्मी ने और बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या मम्मी ने इसमें डाला है तो चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है बहुत बढ़िया बहुत रेयर बनता है ये मीठा चावल मेरे घर पे बहुत अच्छा लग रहा है और आज का दिन था स्पेशल रुई के लिए हमारे लिए स्पेशल था हमें एक्चुअली बहुत टेंशन था कि रुई टकली लगने के बाद कैसी लगेगी बट टचवुड बहुत बहुत ही प्यारी लग रही है गोलू गोलू सी टकलू होने के बाद भी तो नहीं तो मुझे बहुत ऐसा था कि पता नहीं कैसी लगेगी मतलब होता है ना थोड़ा लंबे बाद में अच्छी लगती है तो ठीक है आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेल बटन आइकन है उसे प्लीज़ दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए गुड बाय